जरूरी नहीं है कि शरीर की छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए मोटी मोटी गोलियां खाई जाए, बहुत सारे दवाइयां खाई जाए। आयुर्वेद में कई ऐसी सारी बीमारी है जो कि जड़ी बूटियों से ठीक हो सकता है, जो शरीर के कई समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। वहीं आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीला कनेर के। दोस्तों, पीला कनेर आयुर्वेद में कई समस्याओं को दूर करने में इस्तेमाल लिया जाता है। आमतौर पर कनेर के कई फूल के कई कलर होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीले कनेर की। ये हमारे घाव भरना हो या त्वचा की समस्या हो, चाहे आपके पेट में गैस कब्ज की समस्या हो या बवासीर की समस्या हो, चाहे मासिक धर्म की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को बहुत ही आसानी से खत्म करता है। चलिए बारी बारी से जानेंगे इसके एक एक बीमारी में किस प्रकार से इलाज होता है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कनेर के बारे में। दोस्तों, जो कनेर होता है ये सामान्यतः भारत के हर जगह पर पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा। सबसे पहली है बुखार की समस्या को दूर करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को रुक रुक कर बुखार आता है, यानी कि अगर आज बुखार आया तो एक दो दिन के बाद फिर बुखार आता है। वे इस समस्या को कम करने के लिए पीले कनेर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे लोग पीले कनेर के पत्ते और छाल से बनाए गए काढ़े को सेवन कर सकते हैं। ऐसा अगर आप सेवन कर सकते हैं तो आपको जो रुक रुक कर आने वाली बुखार की समस्या है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। इसके बाद कब्ज की समस्या। दोस्तों, चाहे कब्ज की समस्या हो या बवासीर की समस्या हो, दोनों में एक तरह से ही इसका इस्तेमाल करना है। आज के समय में बहुत सारे लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, तरह तरह की बीमारियां भी कब्ज के वजह से ही होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कनेर के पत्ते और छाल को काढ़ा बना करके उसका सेवन करना होगा। साथ ही साथ आपको ज़्यादा तेल मसाले और भुने हुए मसाले का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद है त्वचा से संबंधित समस्या। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे दाग धब्बे हो या खुजली हो, किसी भी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो ये जो पीला कनेर है बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। वो पीला कनेर की छाल को पेस्ट बना ले और उसके बाद से अपने त्वचा पर लगाते हैं तो आपको दाद की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही साथ दाग धब्बे से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद से है मासिक धर्म की परेशानी। बहुत सारे महिलाओं और लड़कियों में ये समस्या होती है। अगर जिस भी माता बहन को ये समस्या है तो उसके दौरान जो दर्द और बेचैनी होता है उससे बहुत ही जल्द राहत दिलाता है। इसके लिए आपको जो फूल होता है उसका काढ़ा बना करके आपको पीना है। अगर आप लगातार इसके 4-5 दिन तक इस्तेमाल करती हैं तो आपकी जो भी मासिक धर्म में दर्द और समस्या जो बेचैनी का है वो दोनों ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद है मलेरिया की समस्या। जिन लोगों को मलेरिया हो गया है वो लोग पीले कनेर के उपयोग से अपनी समस्या को बहुत ही आसानी से दूर कर सकेंगे। इसके अलावा मिर्गी से परेशान लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ऐसे में जो शरीर की तासीर अलग होती है वो ये मेंटेन कर देता है। इसके लिए आपको इसके छाल को पीस करके पीना होगा। दोस्तों, ये थे कुछ पीले कनेर के फायदे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए और इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।